क्या सोच रहे हो? एक बात बताओ, दो औरतें कितना मिलती जुलती हो सकती हैं? क्या मतलब? सनम मैडम और नाजली एक जैसी लगती हैं। नाजली? तुम्हारी नाजली? क्या मतलब है? देखो भाई, एक लड़की ऑक्सफोर्ड की है और एक गांव की लड़की है, लेकिन जब तुम उन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे दोनों जुड़वा बहने हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी तुम्हें कैसी आह लगी है। कुछ तो तुमने उसके साथ किया है जो उसने तुम्हें इतनी बड़ी बद्दुआ दी है। हाँ, और उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा उड़ा, एक एक तुम भी मार लो यार। ओह, कितनी गरम है। वैसे तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए, बहुत बिकेगी। किस टॉपिक पर? कैसे खुद को बिगाड़ना चाहिए। और उस किताब में बहुत से आइडियाज होंगे कि एक अच्छा खासा अकलमंद इंसान कैसे खुद को रोड पर ला सकता है। क्या ख्याल है? अब तुम ओवर हो रहे हो यार, डायरेक्ट अटैक है मुझ पर। तुम बताओ मैं क्या करता यार। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की, बहुत मासूम थी। तुम सनम की बात कर रहे हो? ये सनम बीच में कहां से आ गई? मैं तो नाजली की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे दोस्त को नाजली से मोहब्बत हो गई है। नहीं, जो कुछ तुम बता रहे हो उससे तो यही रिजल्ट निकलता है। अगर हर चीज में तुम्हें नाजली नजर आ रही है तो फिर अल्लाह ही तुम्हारा हाफिज है। अरे छोड़ो यार, अब तुम भी ऐसी नसीहतें दोगे क्या? ये तुम कह रहे हो, कभी किसी की आज तक सुनी भी है तुमने? वो लड़की पहले गांव से उठकर यहां आ जाती है और उसके बाद उसके पास पता नहीं कहां से इतना पैसा आ जाता है कि वो पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेती है तुम्हारी। और सिर्फ यही काफी नहीं है, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट भी बन जाती है। वाह, सही कहा। अब तो मुझे भी लॉजिकल लग रहा है